देखिए कितनी बढ़िया ये तिल की पोली फूल गई है। ये तिल गुड़ की पोली जितनी सुंदर दिख रही है वो उतनी ही टेस्टी भी लगती है। अंदर से ये पोली का टेक्सचर आप देख सकते हैं। देखिए कितनी बढ़िया ये बन गई है। इसलिए आप भी ये महाराष्ट्र की फेमस तिल गुड़ की पोली जरूर बनाकर देखिए। अगर आपने अश्विनी किचन को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। आप अश्विनी किचन को फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे ये 2 कप गेहूं का आटा मैंने लिया है। अब इसमें डालेंगे ये आधा कप बेसन और 1/4 कप चावल का आटा यानी राइस फ्लोर। ये नमक डाल देंगे। यहाँ पे ये 2 चम्मच ऑयल हमने अच्छे से गरम करके लिया है वो भी इसमें डाल देंगे। अब चम्मच से ये ऑयल को ये फ्लोर में अच्छे से मिक्स करके लेंगे। एक चीज ध्यान में रखिए, ऑयल बहुत गर्म है इसलिए अगर हाथों से आप मिक्स करेंगे तो हाथ जल जाएंगे। चम्मच से हमने ये ऑयल को ये फ्लोर में अच्छे से मिक्स करके लिया ही है, लेकिन अब हाथों से भी अच्छे से मिक्स करके लेंगे। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका आटा अच्छे से गूंद के लेते हैं। यहाँ पे ये हमने आटा गूंद लिया है। अब ऊपर से 1 चम्मच तेल डालेंगे और थोड़ा सा वापस गूंद के लेंगे। आप यहाँ पे ये आटे का टेक्सचर देख सकते हैं, न ज्यादा गाढ़ा न ज्यादा पतला, ऐसा परफेक्ट बन गया है। अब इसे कवर करके ये आटे को 20 मिनट के लिए बाजू में रख देते हैं। यहाँ पे ये आधा कप मूंगफली को मैंने अच्छे से रोस्ट करके उसकी स्किन निकाल ली है। इसे ये जार में डाल देते हैं और मिक्सी में अच्छे से पीस लेते हैं। मूंगफली को हमने मिक्सी में पीस लिया है। यहाँ पे ये 1 कप सेसमे सीड्स यानी सफेद तिल को मैंने अच्छे से रोस्ट करके लिया है। इसे भी ये जार में डाल देंगे। ये 1/2 कप रोस्टेड ड्राई कोकोनट और 1/4 कप पॉपी सीड्स। अब इन्हें भी हम मिक्सी में पीस के लेंगे। ये देखिए ये ऐसा हमने मिक्सी में पीस लिया है। अब इसमें ये 1 कप और ये आधा कप जैगरी यानी गुड़ की पाउडर डालेंगे। ये चम्मच से ये मिक्सचर को ऊपर नीचे करेंगे और मिक्सी को बस 2-3 सेकंड के लिए चलाएंगे। इससे ये गुड़ की पाउडर ये मिक्सचर में अच्छे से मिक्स हो जाएगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये गुड़ की पाउडर ये मिक्सचर में अच्छे से मिक्स हो गई है। अब इसे हम एक डिब्बे में निकाल लेते हैं। ये 1/4 टीस्पून इलायची और जायफल पाउडर डाल देंगे। 1/4 कप बेसन को मैंने 1 चम्मच देसी घी में अच्छे से रोस्ट करके लिया है। इसे भी इसमें डाल देंगे। सभी चीजों को हाथों से अच्छे से मिक्स करके लेंगे। तिल गुड़ की पोली के लिए हमारा स्टफिंग रेडी हो गया है। आपको अगर चाहिए तो आप इसके लड्डू भी बना सकते हैं। ये देखिए एकदम बढ़िया ये तिल के लड्डू बन जाते हैं। आप ये स्टफिंग को एयर टाइट कंटेनर में भर के फ्रिज में इसे 1 महीने के लिए स्टोर कर सकते हैं और जब चाहिए तब इसे फ्रिज में से निकाल के इसकी तिल गुड़ पोली बना सकते हैं। 20 मिनट हो गए हैं। अब ये आटे को हाथों से ही थोड़ा सा सॉफ्ट करके लेंगे। आटा हमारा सॉफ्ट हो गया है और स्टफिंग भी रेडी है। तो चलिए तिल गुड़ की पोली यानी रोटी बनाना चालू करते हैं। यहाँ पे ये आटे का छोटा गोला हमने बना के लिया है। ये गेहूं के आटे का इस्तेमाल करके ये गोले को हम छोटी कटोरी जैसा शेप दे रहे हैं। ये देखिए इस तरीके से। अब इसमें ये तिल गुड़ का स्टफिंग हम डाल रहे हैं। ये कटोरी में जितना ये स्टफिंग बैठ रहा है उतना हम इसमें डाल रहे हैं, क्योंकि ज्यादा स्टफिंग वाली ये तिल गुड़ की पोली एकदम टेस्टी लगती है। स्टफिंग हमने भर दिया है। सभी तरफ से हम ये स्टफिंग को अच्छे से बंद कर देंगे जिससे ये स्टफिंग बाहर ना आ सके। ये देखिए इस तरीके से हाथों से इस तरीके से प्रेस करके इसको रोल करेंगे जिससे ये स्टफिंग सभी तरफ से एक जैसा स्प्रेड हो जाएगा। देखिए ये इस तरीके से। अब ये थोड़ा सा गेहूं का आटा स्प्रेड करके हम इसकी तिल गुड़ की पोली बना के लेंगे। अब ये पोली यानी रोटी को हमें सभी तरफ से एक जैसा बेल के लेना है। न ज्यादा मोटी न ज्यादा पतली, ऐसे परफेक्ट हमने ये रोटी बना के ली है। ऊपर से ये तिल थोड़ा सा हम स्प्रिंकल करेंगे और ऊपर से ये हल्के हाथ से बेलन को चलाएंगे जिससे ये तिल निकल ना आ पाए। रोटी के दूसरे साइड पे भी हम ये तिल को स्प्रिंकल करेंगे। ये पोली नीचे चिपके नहीं इसलिए ये तवे के ऊपर हम थोड़ा सा घी डाल देंगे।
तवा गरम हो चुका है और गैस की फ्लेम मीडियम पे ही है। अब ये पोली को हम ये तवे के ऊपर डाल देंगे। नीचे से ये पोली रोस्ट हो गई है, अब इसको पलट के लेते हैं। ऊपर से घी लगा देंगे। वापस ये रोटी को पलट के लेंगे और घी लगा देंगे। देखिए कितनी बढ़िया ये तिल की पोली फूल गई है, एकदम सुंदर ये तिल गुड़ की पोली दिख रही है। आप अगर घूमने के लिए कहीं बाहर जा रहे हैं तो ये पोली को साथ में ले जा सकते हैं, क्योंकि ये तिल गुड़ की पोली 4-5 दिन आराम से टिक जाती है, वो बिल्कुल भी खराब नहीं होती है। यहाँ पे ये हमारी सभी तिल गुड़ की पोली बन के रेडी है। ये हमारी तिल गुड़ की पोली खाने के लिए रेडी है। ये तिल गुड़ की पोली जितनी सुंदर दिख रही है वो उतनी ही टेस्टी भी लगती है। अंदर से ये पोली का टेक्सचर आप देख सकते हैं, देखिए कितनी बढ़िया ये बन गई है। इसलिए आप भी ये महाराष्ट्र की फेमस तिल गुड़ की पोली जरूर बना कर देखिए।